हेलो स्टूडेंट्स, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 12 में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम टेली सॉफ्टवेयर के अंदर फिक्स्ड असेट वाउचर की एंट्री किस प्रकार से करेंगे। यानी कि अगर आपकी कंपनी ने कोई ऐसी एसेट परचेज करी है जिस एसेट के ऊपर जो भी GST लग के आया है, उस GST का ITC क्लेम करने के लिए एलिजिबल है, तो उस कंडीशन में हम टेली सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से एंट्री करेंगे। अगर आपकी कंपनी ने कोई ऐसा एसेट परचेज किया है, उस एसेट के ऊपर GST टैक्स तो लग के आया है, लेकिन उसका ITC क्लेम करने के लिए आपकी कंपनी एलिजिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में हम परचेज वाउचर की एंट्री को किस प्रकार से करेंगे। तो जो टोटल वीडियो है वो टोटल प्रैक्टिकल रहने वाला है, क्योंकि हम सारी बातें जो भी डिस्कस करेंगे वो प्रॉपर हम वाउचर के साथ करेंगे, और वाउचर को देख के हम आपके साथ लाइव डिस्कस करेंगे भी अगर आपको फिक्स्ड एसेट की एंट्री टेली सॉफ्टवेयर में या किसी भी सॉफ्टवेयर में करने की जरूरत पड़े तो आपको किस कंडीशन में कौन कौन से लेजर क्रिएट करने हैं, और उन लेजर का आपको ग्रुप सिलेक्शन क्या रहने वाला है, क्या आपकी वो स्टॉक आइटम रहेगी या फिर केवल लेजर में रहेगा। तो सारी बातें प्रैक्टिकल है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप बिल्कुल भी मत करना। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास में एक जय मोटर की तरफ से मोटरसाइकिल का टैक्स इनवॉइस, और हमने एक एसेट हमने कंपनी के लिए परचेज करी है, इसका इनवॉइस हमारे पास में है। तो सबसे पहले हम टेली सॉफ्टवेयर में चलते हैं और उसके लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हम चलेंगे सबसे पहले क्रिएट पर, लेजर हम करेंगे। तो सबसे पहले लेजर हमें कौन सा बनाना पड़ेगा जिससे हमने प्रोडक्ट परचेज किया, यानी कि जय मोटर्स का लेजर हमारे को क्रिएट करना पड़ेगा। तो बेसिकली जैसे हम रूटीन में लेजर क्रिएट करते हैं उसी तरीके से हमारे लेजर रहेंगे, और अंडर ये रहेगा सैलरी क्रेडिटर के अंदर में, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, सब कुछ डिटेल डाल देंगे, और यहाँ पर जो भी इनका GST नंबर है वो GST नंबर भी हम यहाँ पर इसको मेंशन करेंगे, ताकि हमारी जो GST की रिपोर्ट है वो प्रॉपर सही मिले। हम पहले उस वाउचर की एंट्री करेंगे अगर आपकी कंपनी जो हमारे पास इस इनवॉइस के अंदर ये जो हमारा 18% का GST लग के आया हुआ है, इस टैक्स का ITC लेने के लिए एलिजिबल है, तो उस कंडीशन में एंट्री किस प्रकार से करें, सबसे पहले हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, तो एक लेजर हमने कर लिया जो हमारे सप्लायर है उनका। अब हम एक लेजर हमारे पास रहेगा मोटरसाइकिल का। अब ये मोटरसाइकिल अब आपकी कंपनी के लिए कोई स्टॉक आइटम नहीं है, ठीक है ना, ये हमारे लिए एक फिक्स्ड एसेट है, और फिक्स्ड एसेट का मतलब हो गया एक तरीके का कैपिटल गुड्स है, यानी कि इस प्रोडक्ट को आपने खरीद तो लिया लेकिन आपको रीसेल नहीं करना है, बेचने के लिए पर्पज से आपने इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदा, आप अपने बिजनेस की ग्रोथ के पर्पज से आपने इस प्रोडक्ट का जो यूज किया, चाहे आप अपने ऑफिस के लिए यूज कर रहे हो, चाहे आप अपने बिजनेस के लिए ट्रेवलिंग के लिए कोई यूज कर रहे हो, तो ये आपकी एसेट है, यानी कि एज ए कैपिटल गुड्स है, ना कि ट्रेडिंग गुड्स है। तो ये हमारा मोटरसाइकिल का अब ये लेजर क्रिएट होगा, ना कि स्टॉक आइटम आपको क्रिएट करनी है। यहाँ पर हम मोटरसाइकिल के नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है, और उसका हम ग्रुप रखने वाले हैं फिक्स्ड एसेट के अंदर में, क्योंकि ये हमारा एसेट है, और उसके बाद में आपकी कंपनी इसके लिए GST एलिजिबल है, तो हम इसको करेंगे यहाँ से GST को एप्लीकेबल, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर इसका एडजस्टमेंट कोड अब हमें यहीं पे लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं स्पेसिफाई डिटेल हेयर के अंदर, और यहाँ पर इस प्रोडक्ट का जो एडजस्टमेंट कोड है जो हमारे को इस इनवॉइस के अंदर आया हुआ लग के, वो हम यहाँ पर मैंशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में डिस्क्रिप्शन के अंदर हम यहाँ पर लिख देंगे मोटरसाइकिल, आप लिख सकते हो, और उसके बाद में जो GST का टैक्स रेट है वो भी हमें यहाँ पर मेंशन करना है, और टैक्सेबल प्रोडक्ट है, GST का रेट इसका 18% है, और टाइप ऑफ सप्लाई के अंदर हम यहाँ पर रखने वाले हैं इसको कैपिटल गुड्स रखेंगे, इसको गुड्स नहीं रखने वाले, कैपिटल गुड्स रखेंगे। एंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमने एक सप्लायर का लेजर क्रिएट कर दिया और एक हमने मोटरसाइकिल यानी कि फिक्स्ड एसेट का लेजर क्रिएट कर दिया। अगर आपके पास CGST और SGST के लेजर ऑलरेडी क्रिएट नहीं है तो वो भी लेजर आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, लेकिन मेरे पास में CGST का और SGST टैक्स ऑलरेडी क्रिएट है, तो मैं उस लेजर को दोबारा क्रिएट नहीं करूंगा। तो हम चलते हैं वाउचर पे, वाउचर पे हम आएंगे, और अब हमें सबसे पहले F9N के परचेज वाउचर यूज करना है, और परचेज वाउचर की कंडीशन में आपको यहाँ पे देखना है नेम ऑफ आइटम यहाँ पर आपको नहीं रखना है, इसके लिए हम चेंज मोड पे जाएंगे और अकाउंटिंग इनवॉइस आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे हम अकाउंटिंग इनवॉइस को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, नेम ऑफ आइटम की जगह यहाँ पर अब आपके पास आ जाएगा
पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहले हमें परचेज का जो वाउचर नंबर है, परचेज का नंबर वो हम यहाँ पर लिखेंगे 618। डेट जो आपकी इनवॉइस पे डेट है, हम इनवॉइस की डेट हम डालेंगे। और उसके बाद में पार्टी का जो नेम अभी हमने जो क्रिएट किया जे मोटर्स का, वो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर हम पर्टिकुलर्स के अंदर लिखेंगे मोटरसाइकिल, ठीक है। और यहाँ पर आपको इंक्लूजिव ऑफ जीएसटी अमाउंट यहाँ पर लिखना है। इंक्लूजिव जीएसटी अमाउंट का मतलब क्या हो गया, जो आपकी फाइनल अमाउंट है जीएसटी एड होने के बाद में। तो फाइनल अमाउंट आपकी है 60,000 रुपये की, तो इंक्लूजिव ऑफ जीएसटी हम लिखेंगे 60,000 रुपये, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पे 60,000 रुपये लिखा, यहाँ पर इसने टैक्सेबल वैल्यू इसकी ऑटोमेटिक निकाल दी 50,847 रुपये और 46 पैसे, और ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू इनवॉइस के अंदर भी आ रही है, ठीक है। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद हम सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स का लेजर सेलेक्ट करेंगे। तो जो हमारे पास टैक्स इनवॉइस के अंदर लग के आया हुआ है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर 4576 रुपये 27 पैसे और 4576 रुपये 27 पैसे। तो ये सेम हमारा 4576 27 4576 27, ठीक है। और नेट अमाउंट की बात करें तो ये 60,000 रुपये नेट अमाउंट आ चुकी है। एंटर प्रेस करते हम इस वाउचर को यहाँ से करेंगे एक्सेप्ट। तो ये तो थी हमारी, अगर हम आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हैं तो। अब हम इसकी जीएसटी की अगर रिपोर्ट हम देखते हैं, सबसे पहले डिस्प्ले पर हम जाते हैं, जीएसटी रिपोर्ट पर जाते हैं, या 3B आप देख सकते हो अगस्त मंथ की। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर आपका आईटीसी है जो 3B के अंदर ऐड हो चुका है। जीएसटीआर अगर आप 2 की बात करोगे तो जीएसटीआर 2 के अंदर भी आपका ये जो टैक्स है जो इंक्लूड आपको दिखाएगा, ठीक है। ये तो थी हमारी जीएसटी रिपोर्ट से रिलेटेड बातें, यानी कि इसका आईटीसी हमने जो क्लेम कर लिया है, ठीक है ना। अगस्त मंथ अगर आप यहाँ से आप सेलेक्ट करके देखोगे तो यहाँ देख सकते हो ये एक हमारा B2B का जो इनवॉइस है वो यहाँ पर आ चुका है, जिसका हमें आईटीसी क्लेम मिल चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भी अगर आपकी कंपनी इसका आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल नहीं है तो उस कंडीशन में कौन सी वाउचर की एंट्री रहने वाली है। सेम हम रिपीट करने वाले हैं 618, ठीक है। यहाँ पर ये सेकंड वाउचर एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो मैं इसके आगे कुछ सिंबल लगा देता हूँ। और उसके बाद में सेम वाउचर नंबर पार्टी हमारी सेम जे मोटर्स रहेगी। और इस कंडीशन के अंदर अब यहाँ पर हम एक अलग से लेजर क्रिएट करेंगे मोटरसाइकिल का, मोटरसाइकिल 2 के नाम से हम एक लेजर क्रिएट करते हैं। ये भी आपकी फिक्स एसेट रहेगी, ठीक है ना। और जीएसटी इसके ऊपर आपको अब नोट एप्लीकेबल करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि अब हम इसका आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है जो नहीं है। तो अब इस कंडीशन में यहाँ पर अमाउंट हमारे पास कौन सी रहेगी, जो फाइनल अमाउंट है विद जीएसटी के बाद में 60,000 रुपये की जो अमाउंट है, ये अमाउंट अब हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी, यानी कि जो जीएसटी है वो हमें उसके कॉस्ट के अंदर एड करके लिखना होगा। एंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। और ये तो थी हमारी नॉन, जो हमारा जीएसटी है उसका आईटीसी एलिजिबल हम नहीं है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट पे अगर हम जाके देखेंगे तो ये आपको वहां पर दिखाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हो मोटरसाइकिल जो हमने फर्स्ट क्रिएट किया था उसके तो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है, और जो हमने मोटरसाइकिल 2 के नाम से एक लेजर क्रिएट किया था उसका ये 60,000 रुपये का जो फाइनल अमाउंट है विद जीएसटी के साथ में, वो अमाउंट आपको यहाँ पर लेनी पड़ेगी। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी तो जरूर लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर जरूर करना। आप इसी तरीके की अगर आपकी कंपनी के अंदर कोई और भी प्रोडक्ट है तो उसकी भी एंट्री आपको सेम इसी टाइप से ही करनी होगी।